बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिपब्लिक डे स्पेशल ट्री कलर बर्फी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूजी की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में पहले घी शामिल करूँगी। 100 ग्राम यहाँ पे मैं घी शामिल कर रही हूँ। घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम रवा यानी कि सूजी। सूजी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। रिपब्लिक डे स्पेशल सूजी की बर्फी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूजी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। एक से दो मिनट हो गए सूजी को भुनते हुए, एक से दो मिनट इसकी और भुनाई करेंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से पक जाए। सूजी देखें अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे 1 कप। मिल्क पाउडर को भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे रवे में। मिल्क पाउडर को भी देखें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से 3 कप पानी मैंने नाप के ले लिया था। पानी शामिल कर देंगे और सूजी को मिक्स करते हुए अच्छे से हमें पकाना है। देखिए 1 से 2 मिनट इसे हमने पकाया है इसी तरह चलाते हुए। इसमें 1 कप शक्कर शामिल करेंगे। शक्कर को भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इसको ढककर 1 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। एक मिनट तक लो फ्लेम पे मैंने इसे ढक के पकाया। देखें सूजी हमारी अच्छे से पक चुकी है और शक्कर भी पिघल गई है। देखिए पैन खुद ब खुद इस तरह से बैटर छोड़ रहा है, तो समझ लें कि बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद करेंगे। देखिए हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से में ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे और एक हिस्से में ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह दोनों हमें मिक्स कर लेना है। देखिए ऑरेंज वाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसी तरह ग्रीन वाला भी मिक्स कर लेंगे। ग्रीन फूड कलर को भी देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें घी लगा लिया मैंने। इसको हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से आप इस तरह से शेप दे लें।
मेरा हाथों के मदद से। इसी तरह इस पे वाइट कलर का जो बैटर है इसको शामिल करेंगे, इसको भी ऐसी शेप दे देंगे। अभी ऑरेंज कलर वाला बैटर इसी तरह से इस पे लगा लेंगे अच्छे से, इसको भी शेप देंगे। इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तिरंगा बर्फी हमारी सेट हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखें तिरंगा बर्फी हमारी बनके तैयार है। इससे पहले मैंने और भी तिरंगा रेसिपी के आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद जय भारत। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये मेरे अल्लाह की शान, उसकी नियामतें रहमतें बरकतें हमारे हाथों में और हमारे खानों में उतार दी। मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह सब खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह सबको अपने रहमत के साए में रखे, सबके जायज दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।